केंद्र की मोदी सरकार नू हिलाउण दे लई अज किसान जथेबंदियां दे वल्लों वड्डे ऐलान कर दिते गए ने। 26 ते 27 नवंबर नू जिथे दिल्ली चलो मुहिम का आगाज़ किया गया सी, पहला उस हुण उसे दिल्ली चलो आगाज़ मुहिम नू लैके जो कमेटी का गठन किया किसान जथेबंदियां दे वल्लों 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जो सारी रणनीति उलीकेगी। तो वड्डी गल इह वी है कि जिथे देश भर दे विच 5 नवंबर नू चक्का जाम करन दा ऐलान किया है तां उत्थे ही वड्डी गिणती दे विच किसानां ने जो कि यह भी गल आख दिती है कि दिल्ली विखे भी चक्का जाम किया जाएगा। 4 नवंबर नू जो दिल्ली विखे किसानां वल्लों घिराओ किया जाएगा उस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होणगे। वड्डी खबर है कि किसान जथेबंदियां दे वल्लों दिल्ली विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच नरेंद्र मोदी सरकार ते किस तरह दबाव पाउणा है इस नू लैके रणनीति उलीकी जा रही है। आओ तुहानू सीधा लै चलदे हां दिल्ली विखे जिथे किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जो आज की बैठक का मेन एजेंडा था हमारा वो यही था कि जो अध्यादेशों का जो उनके संबंध में जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है सही बोले उसको कैसे गति दी जाए, पूरे देश उसको तेज गति देने के लिए आज ये आंदोलन पूरे भारत का बढ़ने जा रहा है। पिछले दिन 27 तारीख को एक बैठक यहाँ पे हुई है और उसमें जो कार्यक्रम तय किए थे उन्हीं को आज एक बार फिर मीटिंग यहाँ पे राष्ट्रीय किसान महासंघ की हुई है और इसमें और भी अन्य जो संगठन बाहर रहे थे वो भी आज इसमें शामिल हुए हैं और इसमें ये तय किया गया है कि जो 5 तारीख का उन्होंने कार्यक्रम दिया जैसे कक्का जी ने बताया वो हम करेंगे, उसका समर्थन करते हैं। जो 26 और 27 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने दिया उसमें थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, उन्होंने 2 दिन का काम का ऐलान किया है 26 और 27 का दिल्ली आने का और हम ये सोच रहे हैं आज की हमारी बैठक का ये विषय था बहुत गंभीरता से उसमें विचार हुई है कि 2 दिन में हो सकता है हमारी केंद्र की सरकार कहीं पे कोई बात करने के लिए या कई किसानों के मामले का हल करने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या किया जाए, इस आंदोलन को और लंबा कैसे चलाया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारी ये जो आज 11 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी और जो उस दिन कमेटी बनी है दोनों कमेटियां मिलकर बैठकर एक बैठक तय करेंगे हम उनके साथ और उस बैठक में इसकी नई रूपरेखा तैयार करेंगे कि उसका आंदोलन जो हो रहा है 26 और 27 वाला वो ऐसा आंदोलन हो कि देश में एक मिसाल कायम हो जाए कि देश का किसान आज इकट्ठा होकर लड़ रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में वो आंदोलन हो, उसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। और कोर कमेटी के जो 11 सदस्य हमारे आज सेलेक्ट किए गए हैं वो अलग अलग स्टेटों से तय किए गए हैं, जैसे हमारे ये शिव कुमार कक्का जी हैं, ऋषिपाल अमावता जी हैं, उधर हमारे अपना महाराष्ट्र से लक्ष्मण वांगे जी हैं और पंजाब से हमारे मंजीत सिंह जी हैं, इधर सेवा सिंह आर्या जी हैं, ये हमारे कश्मीर से हैं, उधर हमारे पंजाब अपना राजस्थान से भाई साहब संतवीर सिंह जी हैं और एक उनमें उस कमेटी में दास भी हूँ, मैं भी हूँ और ये 11 सदस्यों की ये एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी तालमेल करेगी और आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है, कैसे लड़ना है वो सारी की सारी देख रेख इस कमेटी और उस कमेटी के साथ तालमेल बनाकर वो मिलकर करेंगे और वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो। और बाकी बात है हमारे सत्कार योग ऋषिपाल मावता जी ये बताएंगे, इनसे मैं आगे करूँ। नमस्कार जी, आज जो हालात हो रहे हैं किसान के पूरे देश में, पहली बात तो यह है कि जो ये अध्यादेश लाए इसका विरोध पूरे देश में चल रहा है, चाहे पूरे भारत में। कारण ये रहा कि सरकार की जो तानाशाही है और इस तानाशाही के विरोध में पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट है, आंदोलन करेंगे और आंदोलन सड़कों पे होगा, दिल्ली का भी चक्का जाम होगा, पूरे देश में आप पंजाब से लेकर के दिल्ली तक ये आंदोलन चलेगा। नंबर 2, आज ये भी हम घोषणा करते हैं जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के मॉल हैं, किसान इनका भी बहिष्कार करेंगे। इनके मेरी ये अपील है कि कोई भी इनसे पेट्रोल ना ले और इनको बंद कराने का काम भी किसान करेंगे रिलायंस का। आज
एक इसका हम विरोध करते हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम बदल करके इन्होंने अडानी के नाम से जो एयरपोर्ट लखनऊ में किया है, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। और इसके लिए हम सब एक हैं, कक्का जी के नेतृत्व में सब लोग, हमारे 120-130 संगठन हैं जो एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के जहां भी किसान की लड़ाई है, चाहे पंजाब में है चाहे हरियाणा में है, जब तक किसान बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगा, जो ये MSP का अध्यादेश अगर सरकार नहीं लाती है तो इस देश में, पूरे देश में, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे आज ये नारा है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, ये नारा लगाया है और किसान सब एकजुट हैं, सब मिलकर के तालमेल बना करके इस दिल्ली को घेरने का काम अब करेंगे, जल्दी ही किसान करेंगे। ये फैसला कमेटी जैसे ही करेगी और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ये फैसला हमने किया है। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। सवाल है। जी, आपके कितने किसान संगठन हैं और कितने किन किन राज्यों से हैं जो शामिल होंगे इसमें, और 27 और 28 नवंबर को, 26 और 27 नवंबर का जो है उसमें कितनी संख्या में आप लोग जुटेंगे? पहली बार AIKSCC के साथ आप मिलकर सामने आ रहे हैं। ठीक बात है। आज जो हम संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, वो संदेश बहुत स्पष्ट है कि भारत का संपूर्ण किसान संगठन आज एकजुट होकर ये जो 3 अध्यादेश है जो डेथ वारंट के लिए कहा गया है, इसके खिलाफ जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। हमारे साथ जितने भी संगठन राजनीतिक हैं पूरे देश के, वो एक साथ हैं, और हम ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में मिलकर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब जी सरकार आप पर आरोप लगाती है, जी जो भी किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उन पर आरोप लगा रही है कि आप लोग बिचौलिए के बिहाफ में काम कर रहे हैं, जी जबकि आप अब 500 से ज्यादा किसान संगठन इस संघर्ष में जुड़ जाएंगे, जी पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, सरकार का तो काम ये है, हम पहले कांग्रेस का विरोध करते थे तो हम पर आरोप था कि हम संघ के आदमी हैं, अब हम संघ का विरोध करते हैं BJP का तो बोल देते हैं कांग्रेस के आदमी हैं, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा, हम किस बिचौलिए के बीच में काम कर रहे हैं उसका सरकार नाम उजागर करे। ये सरकार जुमलेबाजी से नहीं चलेगी ना कि साहब अध्यादेश बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा फायदा है। हम प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से डिबेट करने को तैयार हैं, अगर मैं जरा सी भी नैतिकता है तो हमने डिबेट करें वो कि किस बात की बात बोल कर रहे हैं आप। हम बताते हैं कि डेथ वारंट से कम नहीं है ये जो 3 अध्यादेश है। कई किसान संगठनों को रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से बैठक कराई है, क्या आप लोगों के पास भी कोई निमंत्रण आया था, आप बैठक करेंगे, बातचीत की कोई उम्मीद है? देखिए, हमारे पास अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है और जो चर्चाएं हुई हैं उसका हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये 2-4 जो पूंजीपति हैं और जो 12,000,000,000,000 का कृषि का व्यापार है पूरे देश का, इस कृषि के व्यापार, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, इस व्यापार पर वो 4 जो बड़े एजेंट इस देश के उद्योगपति हैं उनकी निगाह है, ये उनका ड्राफ्ट है। कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं है कि ये अध्यादेश कब पास हो गया, देश के किसी व्यक्ति को नहीं पता है, वो तो केवल एक ही बात कह पाए हैं PM के सामने कि साहब बहुत अच्छा है। पर अच्छा क्या है, ये हमने दिल्ली में जब गिरफ्तारी दी थी पिछले बार, तो गिरफ्तारी में हमने कहा था कि भाई ठीक है, आपने इतने सारे पेज में अध्यादेश लिखा है, गारंटी PM ने ट्वीट किया कि हम गारंटी देते हैं समर्थन मूल्य पर खरीदने की, तो एक लाइन आप कानून में जोड़ देना कि हम गारंटी दे रहे हैं समर्थन मूल्य पर क्रय करने की, हमारा झगड़ा पहले अध्यादेश में खत्म हो जाएगा। तो सरकार अपने कानून में क्यों नहीं गारंटी देना चाहती, सरकार की नियत में खोट। कलेवाल साहब, एक सवाल है कि पंजाब के मालगड्डियां नहीं जा रही, कोड़ा घट रहा है, यूरिया DAP उसकी किल्लत बढ़ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भी धरना देने की गल कर रहे हैं कि असं धरने से बैठांगे, राष्ट्रपति सानू समा नहीं दे रहे, उन्होंने किवें देखो? देखो, पहला बहुत लंबा समा करोना के दौरान ये बंद रही रेल गड्डियां, कोला नहीं घटिया, लेकिन अज भी कोला घटन वाली जो होर कोई गल नहीं सी, असी रेल गड्डिया जिहड़ियां किसानां ने छड़ियां वह इस गल के उत्ते जिहड़ियां माल गड्डियां छड़ियां गईयां सी कि इन्हां ने साडे अंदोलन नूं बदनाम करन वास्ते साडे किसानां दे विच इक तरह की अफवाह फैलाई जानी है कि तुहानूं खाद इस करके नहीं मिलदी क्योंकि किसान रेलवे लाइन ते बैठा है, खाद आ नहीं रही। इस गल नूं ध्यान च लैंदिआं असी इस लाइन तों
उठ के एक गल करी सी कि असीं माल गड्डियां छड्डदे आं। अगर लोगों का पंजाब के लोगों का फिक्र सी, देश के लोगों का फिर सानूं इह वी कहा एक दिन कि जिहड़े मिलटरी बैठी है साडी अगे जम्मू कश्मीर दे विच, उन्हां लई खाण दा समान नहीं, बेचारे साडे बच्चे भुखे मरनगे, तुहाडे बच्चे की गल, अज सरकार नूं नहीं फिक्र उन्हां दा वी उह भुखे मरनगे। इस करके सरकार इन्हां तरीकों के नाल साडे अंदोलन नूं होर बदनाम करना चाहुंदी है, होर खराब करना चाहुंदी है, लेकिन सरकार दीआं इन्हां चालां दे उत्ते अज दा कोई असर नहीं पैणा। इह जिहड़ी इह कह रहे ना यूरिया की घाट आऊगी, यूरिया नहीं मिलनी, मैं कला क्लीयर करा तुहाडे माध्यम दे राहीं, साडे किसान इह कह रहे ने जिहड़े रेलवे ट्रैकां दे उत्ते अज स्टेशनां ते बैठे ने, वो कहिंदे जी बिल्कुल यूरिया ना मिले, बिल्कुल DAP ना मिले, बिल्कुल डीजल ना मिले, कुछ ना मिले। जिस दिन असीं यह ऐलान किया भी असीं रेलवे माल गड्डियां छड्डदे आं, सानू हज़ारां किसानां ने मैसेज दिते कि प्रधान जी तुसीं नहीं छड्डनियां सी, हजे भी नहीं छड्डनियां सी, और किसान इस गल लई तैयार बैठा है कि फसल फसल की कोई चिंता नहीं, सानू पता है कि साडी जमीन जानी है, जमीन की वैल्यू वध है, फसल की वैल्यू बहुत थोड़ी है जमीन के समान अंतर। इस करके इस लड़ाई के किसान साढ़े नाल है, सरकार जिन्ने मर्जी जुमले वरत ले, जिन्ने मर्जी दाव पेच वरत ले, सरकार दा कोई दाव पेच मतलब किसान कामयाब नहीं होने देना। तुसी पिछली बार जिहड़ी बैठक हुई कृषि भवन दे, तुसी ओहदे विच मौजूद सी, तुसी लोग बाहर निकले, तुसी कहिंदे साडे नाल सरकार ने धक्का कीता, किवें वार सरकार दा ठीक नहीं, सानू बुला के जिहड़ा काम कीता गया, हुण तुसी लोग तैयार हो दिल्ली आउण लई कि जेकर सरकार बुलाउंदी आ गल्लबात करन लई? देखो पहली तां गल इह है कि साडी सरकार नूं असीं इह कहा सी कि साडे नाल गल उह करे जिहड़ा साडे मसले दा समाधान कर सकदा है, जिहड़ा इस मसले दा हल कर सकदा है, केवल गल्लां बातां नाल नहीं गल बननी। इन्हां ने उस मीटिंग दे विच सानूं सद के सानूं समझाउण दा यतन कीता भी कानूनां दे विच आ कुछ लिखिया है, और उस मीटिंग दे विच असीं बड़ा ठोक के गल कही सी भी तुसीं सानूं पढ़ाओ ना, असीं इन्ने क तां पढ़े हैं, साडे पंजाब दे विच वकील लोक हैगे ने, साडे बच्चे PhD MSc कर चुके हैं, सब पता लोकां नूं भी इहदे विच की है, कानून दे विच वकील बड़े आ साडे पंजाब दे अंदर। इस करके जिहड़ी तुहाडी इह गल, इह तुसीं साडे नाल इक तरह की हुशियारी कर रहे हो, सानू इत्थे सद्या वर्चुअल मीटिंगां दे वास्ते सारे मंत्री पंजाब च छके भेजे हुए है, इस करके असीं उहदा विरोध कीता सी, और अज भी असीं उस दिन बाद इस गल दे उत्ते बड़ी नाराजगी सी साडे अंदर कि चाहे कुछ भी होवे असीं दिल्ली नहीं आवांगे, अज दिल्ली दी सरकार वापस जांदी है उत्थे जांदी है, पर फिर भी मैं कहिंदा जेकर सरकारां साडे नाल गल्लबात करदियां असीं इह मौका नहीं देंगे सरकार नूं कि किसान गल्लबात लई तैयार नहीं, किसान गल्लबात लई नहीं आउंदे, असीं गल्लबात करांगे, टेबल ते बैठ के गल्लबात करांगे, जैसे कक्का जी ने कहा है साडे नाल कोई बैठे तां सही, आके गल करे तां सही, मैदान च तां आवे, किसान दी अक्ख चक पाउण दी किसी मंत्री दी हिम्मत ही नहीं पै रही, सारे इस गल तों भज रहे ने। कैप्टन साहब कल दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हो? राजनीति है, इन्हां लोकां दी राजनीति है, राजनीति कर रहे ने, और राजनीति दे विचों सारा कुछ हो रहा है। अगर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा उत्थे पंजाब दे विच मता पाया है, वह मता पाउण वास्ते सानूं इह कहना पिया सीगा कि अगर एक हफ्ते दे विच विच तुसीं विद इन वीक रेजुलेशन ना ले, और जो घराओ का ऐलान किया फिर जाके इन्हां नूं इह कहना पिया 14 तरीक नूं कि असीं 19 तरीक नूं मतलब इजलास सद रहे हैं, सो जिहड़ा उत्थों भी जिहड़ा हो रहा है वह भी मतलब इन्हां नाल लड़ाई लड़के करवा रहे हैं, असीं कोई किसान अंदोलन की जित है ये जिन्ना कि असीं करवा रहे हैं। और दूसरी वड्डी गल है कि यह जिहड़ा मता पिया है ना, इस मते दे नाल अज पूरे भारत के अंदर होर स्टेटां च मते पैने शुरू होए, मते पै रहे हैं, और असी अज इस माध्यम के राही ये भी कहांगे कि जिहड़ियां भी स्टेटां BJP विरोधी सरकार है उन्होंने मते पाने चाहिए इस गल दे उत्ते, ताकि साडे किसानां दे मसले का हल हो सके। अगर प्रधानमंत्री नहीं मनता वह मते पा के तां गल करन आपदी, सो ये साडा जथेबंदियों के वालों कार्ज किए जा रहे हैं। अज दिल्ली विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई किसान जथेबंदियों के वालों, जिस दे विच 26 ते 27 नवंबर में जो दिल्ली चलो मुहिम का आगाज किया जाना है उसनों लैके 11 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। सारी रणनीति लेके गई कि 11 मैंबरी कमेटी की किस तरह घिराओ किया जाना है दिल्ली का। उत्थे दूजे पासे पूरे देश के भी जिथे 5 नवंबर चक्का जाम करन दा ऐलान पूरे भारत दीआं किसान जथेबंदियां ने कीता, तां अज दिल्ली विखे जो किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच वी किसान जथेबंदियां ने आख्या कि उह दिल्ली विखे भी चक्का जाम करनगे, क्योंकि 5 नवंबर नूं जदों पहला मीटिंग हुई सी तां पूरे भारत दीआं किसान जथेबंदियां ने 12 बजे तों लै के 4 बजे तक जो है चक्का जाम करन दा ऐलान कीता सी, तां कि मोदी सरकार ते दबाव पा के इहनां काले कानून रद्द करवाया जा सके। इस हफ्ते विचाले अज इक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस दे विच वड्डे ऐलान जो कि किसान जथेबंदियों के वालों किए गए हैं, जिस कारण कि ना कि केंद्र सरकार भी सोचा विच पई जापदी है। आओ तुहानूं लै चलदे हां दिल्ली विखे किसान जथेबंदियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच।
जो आज की बैठक का मेन एजेंडा था हमारा, वो यही था कि जो अध्यादेशों का जो आज कानून बन चुके हैं उनके संबंध में जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है उसको कैसे गति दी जाए, उसको तेज़ गति देने के लिए आज ये आंदोलन पूरे भारत का बढ़ने जा रहा है। पिछले दिन 27 तारीख को एक बैठक यहाँ पे हुई है और उसमें जो कार्यक्रम तय किए थे उन्हीं को आज एक बार फिर मीटिंग यहाँ पे राष्ट्रीय किसान महासंघ की हुई है और इसमें और भी अन्य जो संगठन हैं बाहर रहे थे वो भी आज इसमें शामिल हुए हैं और इसमें ये तय किया गया है कि जो 5 तारीख का उन्होंने कार्यक्रम दिया जैसे कक्का जी ने बताया वो हम करेंगे, उसका समर्थन करते हैं। जो 26 और 27 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने दिया है उसमें थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, उन्होंने 2 दिन का काम का ऐलान किया है 26 और 27 का दिल्ली आने का और हम ये सोच रहे हैं आज की हमारी बैठक में का ये विषय था, बहुत गंभीरता से उस पर विचार हुई है कि 2 दिन में हो सकता है हमारी केंद्र की सरकार कहीं पे कोई बात करने के लिए या कई किसानों के मामले का हल करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर क्या किया जाए, इस आंदोलन को और लंबा कैसे चलाया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारी ये जो आज 11 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी और जो उस दिन कमेटी बनी है दोनों कमेटियां मिलकर बैठकर एक बैठक तय करेंगे हम उनके साथ और उस बैठक में इसकी नई रूपरेखा तैयार करेंगे कि उसका आंदोलन जो हो रहा है 26 और 27 वाला वो ऐसा आंदोलन हो कि देश में एक मिसाल कायम हो जाए कि देश का किसान आज इकट्ठा होकर लड़ रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में वो आंदोलन हो, उसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। और कोर कमेटी के जो 11 सदस्य हमारे आज सेलेक्ट किए गए हैं वो अलग अलग स्टेटों से तय किए गए हैं, जैसे हमारे ये शिव कुमार कक्का जी हैं, ऋषिपाल मावता जी हैं, उधर हमारे अपना महाराष्ट्र से लक्ष्मण वांगे जी हैं और पंजाब से हमारे मंजीत सिंह जी हैं, इधर सेवा सिंह आर्या जी हैं, ये हमारे कश्मीर से हैं, उधर हमारे पंजाब अपना राजस्थान से भाई साहब संतवीर सिंह जी हैं और एक उनके उनमें उस कमेटी में दास भी हूँ, मैं भी हूँ और ये 11 सदस्यों की ये एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी तालमेल करेगी और आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है, कैसे लड़ना है, वो सारी की सारी देख रेख इस कमेटी और उस कमेटी के साथ तालमेल बनाकर वो मिलकर करेंगे और वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो। और बाकी बात है हमारे सत्कार योग ऋषिपाल मावता जी ये बताएंगे, इनसे मैं आगे करूँ। नमस्कार जी, आज जो हालात हो रहे हैं किसान के पूरे देश में, पहली बात तो यह है कि जो ये अध्यादेश लाए इसका विरोध पूरे देश में चल रहा है, चाहे पूरे भारत में। कारण ये रहा कि सरकार की जो तानाशाही है और इस तानाशाही के विरोध में पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट है, आंदोलन करेंगे और आंदोलन सड़कों पे होगा, दिल्ली का भी चक्का जाम होगा, पूरे देश में आप पंजाब से लेकर के दिल्ली तक ये आंदोलन चलेगा। नंबर 2, आज ये भी हम घोषणा करते हैं जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के मॉल हैं, किसान इनका भी बहिष्कार करेंगे। इनके मेरी ये अपील है कि कोई भी इनसे पेट्रोल ना ले और इनको बंद कराने का काम भी किसान करेंगे रिलायंस का। आज एक इसका हम विरोध करते हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम बदल करके इन्होंने अडानी के नाम से जो एयरपोर्ट लखनऊ में किया है ये बिल्कुल शर्मनाक बात है और इसके लिए हम सब एक हैं। कक्का जी के नेतृत्व में सब लोग हमारे 120-130 संगठन हैं जो एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के जहां भी किसान की लड़ाई है, चाहे पंजाब में है चाहे हरियाणा में है, जब तक किसान बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगा, जो ये MSP का अध्यादेश अगर सरकार नहीं लाती है तो इस देश में पूरे देश में मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे आज ये नारा है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, ये नारा लगाया है और किसान सब एकजुट हैं, सब मिलकर के तालमेल बना करके इस दिल्ली को घेरने का काम अब करेंगे, जल्दी ही किसान करेंगे। ये फैसला कमेटी जैसे ही करेगी और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ये फैसला हमने किया है। आप लोगों के कोई
सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं सवाल। ये भी जी, आपके कितने किसान संगठन है और कितने किन किन राज्यों से हैं जो शामिल होंगे इसमें, और 27 और 28 नवंबर को, 26 और 27 नवंबर का जो है उसमें कितनी संख्या में आप लोग जुटेंगे? पहली बार एआई के स्थिति के साथ आप मिलकर सामने आ रहे हैं। ठीक बात है। आज जो हम संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, वो संदेश बहुत स्पष्ट है कि भारत का संपूर्ण किसान संगठन आज एकजुट होकर ये जो तीन अध्यादेश है जो डेथ वारंट के लिए कहा गया है, इसके खिलाफ जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। हमारे साथ जितने भी संगठन राजनीतिक हैं पूरे देश के, वो एक साथ हैं, और हम ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में मिलकर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब जी सरकार आप पर ये आरोप लगाती है, जी जो भी किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उन पर आरोप लगा रही है कि आप लोग बिचौलिए के इतिहास में काम कर रहे हैं, जी जबकि आप अब 500 से ज्यादा किसान संगठन इस संघर्ष में जुड़ जाएंगे, जी इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, सरकार का तो काम ये है, हम पहले कांग्रेस का विरोध करते थे तो हम पर आरोप था कि हम संघ के आदमी हैं, अब हम संघ का विरोध करते हैं बीजेपी का तो बोल देते हैं कांग्रेस के आदमी है, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा, हम किस बिचौलिए के बीच में काम कर रहे हैं उसका सरकार नाम उजागर करे। ये सरकार जुमलेबाजी से नहीं चलेगी ना कि साहब अध्यादेश बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा फायदा है, हम प्रधानमंत्री जी से कृषि मंत्री जी से डिबेट करने को तैयार हैं, अगर मैं जरा सी भी नैतिकता है तो हमने डिबेट करें वो कि किस बात की बात को लेकर कर रहे हैं आप। हम बताते हैं कि डेथ वारंट से कम नहीं है ये जो तीन अध्यादेश है। कई किसान संगठनों को रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से बैठक कराई है, क्या आप लोगों के पास भी कोई निमंत्रण आया था, आप बैठक करेंगे, बातचीत की कोई उम्मीद है? देखिए, हमारे पास अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है, और जो चर्चाएं हुई हैं उसका हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये दो चार जो पूंजीपति हैं बड़े और जो 12,000,000,000,000 का कृषि का व्यापार है पूरे देश का, इस कृषि के व्यापार दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, इस व्यापार पर वो चार जो बड़े एजेंट इस देश के उद्योगपति हैं उनकी निगाह है, ये उनका ड्राफ्ट है। कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं है कि ये अध्यादेश कब पास हो गया, देश के किसी व्यक्ति को नहीं पता है, वो तो केवल एक ही बात कह पाए हैं पीएम के सामने कि साहब बहुत अच्छा है, पर अच्छा क्या है ये हमने दिल्ली में जब गिरफ्तारी दी थी पिछले बार, तो गिरफ्तारी में हमने कहा था कि भाई ठीक है, आपने इतने सारे पेज में अध्यादेश लिखा है, गारंटी पीएम ने ट्वीट किया कि हम गारंटी देते हैं समर्थन मूल्य पर खरीदने की, तो एक लाइन आप कानून में जोड़ देना कि हम गारंटी दे रहे हैं समर्थन मूल्य पर क्रय करने की, हमारा झगड़ा पहले अध्यादेश में खत्म हो जाएगा। तो सरकार अपने कानून में क्यों नहीं गारंटी देना चाहती, सरकार की नियत में खोट। कलेवाल साहब, एक सवाल है कि पंजाब दे विच मालगड्डियां नहीं जा रही, कोला घट रहा है, यूरिया डीएपी उसकी किल्लत बढ़ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भी धरना देने की गल कर रहे हैं कि असीं धरने ते बैठांगे, राष्ट्रपति सानू समा नहीं दे रहे, उन्हें किवें देखदे हो? देखो, पहला बहुत लंबा समा करोना के दौरान यह बंद रही रेल गड्डियां, कोला नहीं घटिया, लेकिन अज भी कोला घटने वाली जो होर कोई गल नहीं सी, असी रेल गड्डियां जिहड़ियां किसानां ने छड्डियां वो इस गल दे उत्ते जिहड़ियां माल गड्डियां छड्डियां सी छड्डियां गईयां सी कि इन्हां ने साडे अंदोलन नूं बदनाम करन वास्ते साडे किसानां दे विच इक तरह की अफवाह फैलाई जानी है कि तुहानूं खाद इस करके नहीं मिलदी क्योंकि किसान रेलवे लाइन ते बैठा है, खाद आ नहीं रही। इस गल नूं ध्यान च लैंदिआं असी इस लाइन तों उठ के एक गल करी सीगी कि असीं माल गड्डियां छड्डदे हां, अगर लोगों का पंजाब के लोगों का फिक्र सी, देश के लोगों का फिर सानूं तां इह वी कहा एक दिन कि जिहड़े मिलटरी बैठी है साडी अगे जम्मू कश्मीर दे विच, उन्हां लई खाण दा समान नहीं, बेचारे साडे बच्चे भुखे मरणगे, तुहाडे बच्चे की गल, अज सरकार नूं नहीं फिक्र उन्हां दा वी उह भुखे मरणगे। इस करके सरकार इन्हां तरीकों के नाल साडे अंदोलन नूं होर बदनाम करना चाहुंदी है, होर खराब करना चाहुंदी है, लेकिन सरकार दीआं इन्हां चालां दे उत्ते अजदा कोई असर नहीं पैणा। ये जिहड़ी कह रहे ना यूरिया की घाट आऊगी, यूरिया नहीं मिलनी, मैं कल क्लीयर करा तुहाडे माध्यम दे राही, साडे किसान ये कह रहे ने जिहड़े रेलवे ट्रैकों के उत्ते अज स्टेशनों ते बैठे ने, वो कहिंदे जी बिल्कुल यूरिया ना मिले, बिल्कुल डीएपी ना मिले, बिल्कुल डीजल ना मिले, कुछ ना मिले। जिस दिन असी यह ऐलान किया भी असी रेलवे माल गड्डियां छड्डदे आ, सानू हजारां किसानां ने मैसेज दिते कि प्रधान जी तुसीं नहीं छड्डणियां सी, हजे भी नहीं छड्डणियां सी,
और किसान इस गल तैयार बैठा है कि फसल फसल की कोई चिंता नहीं। सानू पता है कि सारी जमीन जानी है, जमीन की वैल्यू वध है, फसल की वैल्यू बहुत थोड़ी है जमीन के समान अंतर। इस करके इस लड़ाई के किसान साढ़े नाल है। सरकार जिन्ने मर्जी जुमले वरत ले, जिन्ने मर्जी दाव पेच वरत ले, सरकार का कोई दाव पेच मतलब किसान कामयाब नहीं होने देना। तुसी पिछली बार जी बैठक हुई कृषि भवन दे, तुसी ओदे विच मौजूद सी, तुसी लोग बाहर निकले, तुसी कहे साडे नाल सरकार ने धक्का कीता, व्यवहार सरकार का ठीक नहीं, सानू बुला के जिहड़ा काम कीता गया, हुण तुसी लोग तैयार हो दिल्ली आने लई कि जेकर सरकार बुलाउंदी आ गलबात करन लई? देखो पहली तो गल यह है कि साडी सरकार नूं असीं इह कहा सी कि साडे नाल गल ओह करे जिहड़ा साडे मसले का समाधान कर सकता है, जिहड़ा इस मसले का हल कर सकता है। केवल गल्लां बातां नाल नहीं गल बननी। इन्हां ने उस मीटिंग दे विच सानू सद के सानू समझाउण दा यतन कीता भी कानूनां दे विच आ कुछ लिखिआ है, और उस मीटिंग दे विच असीं बड़ा ठोक के गल कही सी भी तुसीं सानू पढ़ाओ ना, असीं इन्ने कु तां पढ़े हैं, साडे पंजाब दे विच वकील लोक हैगे ने, साडे बच्चे पी एच डियां एमएससीआं कर चुके हैं, सब पता लोगों भी ये की है कानून दे विच, वकील बड़े आ साडे पंजाब दे अंदर। इस करके जिहड़ी तुहाडी इह गल इह तुसीं साडे नाल इक तरह की हुशियारी कर रहे हो, सानू इत्थे सद्या वर्चुअल मीटिंगां दे वास्ते सारे मंत्री पंजाब च छके भेजे हुए हैं। इस करके असीं उहदा विरोध कीता सी, और अज भी असीं उस दिन बाद इस गल दे उत्ते बड़ी नाराजगी सी साडे अंदर कि चाहे कुछ भी होवे असीं दिल्ली नहीं आवांगे। अज दिल्ली दी सरकार वापस जांदी है तो उत्थे जांदी है, पर फिर भी मैं कहिंदा जेकर सरकारां साडे नाल गलबात करदियां असीं इह मौका नहीं देंगे सरकार नूं कि किसान गलबात लई तैयार नहीं, किसान गलबात लई नहीं आउंदे। असीं गलबात करांगे, टेबल ते बैठ के गलबात करांगे, जैसे कक्का जी ने कहा है साडे नाल कोई बैठे तो सही, आके गल करे तो सही, मैदान च तो आवे। किसान की अख च अख पाउण दी किसी मंत्री की हिम्मत ही नहीं पै रही, सारे इस गल तो भज रहे ने। कैप्टन साहब कल दिल्ली आ रहे हैं, उन्होंने कैसे देख रहे हो? राजनीति है, इन्हां लोगों की राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति दे विचों सारा कुछ हो रहा है। अगर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा उत्थे पंजाब दे विच मता पाया है, वह मता पाउण वास्ते सानू यह कहना पिया सीगा कि अगर एक हफ्ते दे विच विच तुसीं विद इन वीक रेजुलेशन ना ले, और जो घराओ का ऐलान किया फिर जाके इन्हां नूं यह कहना पिया 14 तरीक नूं कि असीं 19 तरीक नूं मतलब इजलास सद रहे हैं। सो जिहड़ा उत्थों भी जिहड़ा हो रहा है वह भी मतलब इन्हां नाल लड़ाई लड़के करवा रहे हैं, असीं कोई किसान अंदोलन की जित है ये जिन्ना कि असीं करवा रहे हैं। और दूसरी वड्डी गल है कि यह जिहड़ा मता पिया है ना, इस मते दे नाल अज पूरे भारत के अंदर होर स्टेटां च मते पैने शुरू होए, मते पै रहे ने, और असीं अज इस माध्यम दे राहीं यह भी कहांगे कि जिहड़ी भी स्टेटां बीजेपी विरोधी सरकार है उन्होंने मते पाउणे चाहिए इस गल दे उत्ते ताकि साडे किसानां दे मसले का हल हो सके। अगर प्रधानमंत्री नहीं मनदा वह मते पा के तां गल करन आपदी, सो इह साडा